हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लू के थपेड़ों वाली गर्मी मई और जून के महीने में पड़ती है, लेकिन इस बार तो अप्रैल माह में ही गर्मी की बढ़ती तपन ने आम जन को बेहाल कर दिया है। पाकिस्तान की सीमा से लगती थार नगरी बाड़मेर के सरहदी बाड़मेर जिले में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है। इस भीषण गर्मी में जहां दिन के समय तो पैर बाहर निकालना ही जान से हाथ धो बैठने के बराबर है, ऐसे में एक बाबा हट पर अड़े हुए हैं और हट की इंतहा तो तब हो गई जब इस चिलचिलाती गर्मी में सिर पर आग जलाकर और चारों तरफ आग की लपटों के बीच ये बाबा हट योगा कर रहे हैं। समय है दिन का जिस समय सबसे ज्यादा आग बरसती है। देखिए एक रिपोर्ट। पाकिस्तान की सीमा पर बसे सरहदी बाड़मेर जिले में इन दिनों भीषण गर्मी से पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। लोग तन झुलसा देने वाली भीषण गर्मी में घरों में कैद हैं, लेकिन एक हट योगी बाबा इन चिलचिलाती धूप में पहाड़ियों में हाथ योग कर अपनी तपस्या कर रहे हैं। ये है बाड़मेर जिले के शिव मुंडी निवासी बाबा सियाराम। मूल रूप से उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाले बाबा सियाराम दास करीब 12-13 साल पहले बाड़मेर पहुंचे थे। वे 13 साल की उम्र में संन्यास ले चुके थे। इसके बाद बनारस में अपने गुरु सीताराम महाराज से उन्होंने दीक्षा ली। फिर बाड़मेर के शिव मुंडी के नीचे उनके दादा गुरु ने एक आश्रम बनवाया। दादा गुरु ने भी 40 साल यहाँ रहकर तपस्या की थी। उन्होंने ही सियाराम महाराज को यहाँ बुलाया था। बाबा सियाराम बताते हैं कि करीब 17 साल से लगातार अप्रैल मई की भीषण गर्मी में वे इसी तरह से हट योग करते हैं, लेकिन इसे उन्होंने साथ लिया है। अब तपती गर्मी उन्हें नहीं तपाती, वे ईश्वर की शरण में चले जाते हैं। हर दिन दोपहर में 1.5 से 2 घंटे तक उनका ये हट योग जारी रहता है। बाबा सियाराम का कहना है कि हट योग कोर्स में अनुष्ठान 4 महीने में गर्मी के समय में किया जाता है। बाबा सियाराम के मुताबिक अग्नि तपस्या में 6 कोर्स होते हैं। सभी कोर्स 3-3 साल के होते हैं। पंच धुनी 3 साल, सप्त धुनी 6 साल, द्वादश धुनी 9 साल, 84 धुनी 12 साल, कोट धुनी 15 साल और खपर धुनी 18 साल होती है। अभी खपर धुनी चल रही है। इस अनुष्ठान में धूप से कोई लेना देना नहीं होता है। जब तक जप करते हैं तब तक ना तो गर्मी लगती है और ना ही आँख का तप लगता है। साधु को देखने वाले भक्तों का भी तांता लगा हुआ है। मंदिर परिसर में हर समय भजन कीर्तन की आवाज सुनाई पड़ती है। जिले के इतिहास में पहली मर्तबा इस तरह की तपस्या को देखकर या सुनकर लोग आश्चर्यचकित हैं। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।